लंबे टाइम तक हरी धनिया की पत्ती स्टोर कैसे करें, तो ये वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैंने एक बंच धनिया लिया है, अब उसकी जड़ हम लोग काट लेंगे। फिर सभी धनिया की पत्ती को हम लोग बिल्कुल बारीक काट लेंगे और इसकी डंठल हम लोग फेंकेंगे नहीं, डंठल को भी हम लोग बारीक काट लेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। सभी घरों में अक्सर ये होता है कि हम लोग कोई रेसिपी बना रहे होते हैं और वो रेसिपी धनिया पत्ती के बिना बिल्कुल अधूरी होती है। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। कभी भी आपके घर में धनिया पत्ती ना हो तो आप आराम से इस धनिया पत्ती को स्टोर कर सकते हैं और सालों साल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पे बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप ये वीडियो हाथ के हुनर पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धनिया पत्ती को काटने से पहले इसे साफ पानी से धुल लेना है ताकि इसकी जो भी धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। सभी धनिया की पत्ती कट चुकी है, अब आते हैं इसे स्टोर करने का तरीका मैं बताने जा रही हूँ। तो धनिया की पत्ती को किसी जाली वाले बर्तन में रख दें और इसे पंखे के नीचे या धूप में 2 से 3 दिन आपको सुखाना है और इसे सालों साल आप स्टोर कर सकते हैं। इसे आप किसी भी चटनी, किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं।